वंदे मातरम स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, आज हम पेंसिल पील एक्टिविटी बनाएंगे। उसके लिए आपको मटेरियल चाहिए होगा, कुछ पेंसिल्स के पील मैंने अलग अलग कलर के निकाल के रख लिए हैं, रेड कलर, पर्पल कलर और ये ग्रे कलर। गम ले ली है, ए फोर शीट ले ली है और ए फोर शीट पर मैंने बटरफ्लाई को पेंसिल से हल्का सा उसकी शेप को, उसकी आउटलाइन को ड्रॉ कर लिया है। देखिए स्टूडेंट, मैंने पेंसिल की हेल्प से सबसे पहले एक बड़ी बटरफ्लाई को ड्रॉ किया है, फिर छोटी को, और ये तीन चार फूल बना दिए हैं और फिर छोटी कलियां बनाई हैं, छोटे फूल बनाए हैं, थोड़ी सी घास दिखा दी है। ठीक है, इस घास में तो हम ऐसे ही ग्रीन कलर कर देंगे और इन छोटे छोटे फ्लावर्स में भी पेंसिल पील लगेगा, बड़े फ्लावर में भी पेंसिल पील लगेगा, बटरफ्लाई में भी पेंसिल पील लगेंगे। ये देखिए मैंने निकाल करके रखे हुए हैं, अब मैं इनको तोड़ तोड़ के गम के साथ पेस्ट करती रहूँगी। सबसे पहले हम बटरफ्लाई को करेंगे पेस्ट। देखिए स्टूडेंट, मैंने सबसे पहले रेड कलर का पेंसिल पील लिया था और उसकी बैक साइड में मैंने गम लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगी, ये देखो ऐसे, और सेम इसको भी ऐसे ही पेस्ट कर दूँगी। यहाँ पे थोड़ा छोटे वाला कट करके पीस यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दूँगी। देखो स्टूडेंट, मैंने इनको पेस्ट कर लिया है, अब मैं इसकी दूसरी साइड पर भी ऐसे ही पेस्ट कर दूँगी। देखिए स्टूडेंट, मैंने पहले रेड कलर का पील पेस्ट कर दिया था, अब मैंने अदर कलर का पील लेकर के एक पार्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और उसको दूसरा पार्ट मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, पहले वाले पील के ऊपर ही। ऐसे ऐसे करके हम दो तीन लेयर में पेस्ट कर लेंगे एक दूसरे के ऊपर अलग अलग कलर के। देखिए स्टूडेंट, मैंने वन बाय वन पेंसिल अलग अलग कलर की इनकी पील उतार करके मैंने पेस्ट कर दिया है। एक बड़ी बटरफ्लाई बना दी है, एक छोटी बना दी है। अब थोड़ा सा स्केचिंग का वर्क है, वो मैं ऐसे कर दूँगी। जो बटरफ्लाई है उसके नेक्टर भी निकालने होते हैं, तभी वो लगती है कि वो बटरफ्लाई है, ऐसे। अब मैंने क्या करना है, ये जो फ्लावर बने हुए हैं इन पे मैं पेस्ट करूँगी वन बाय वन करके।